तलवार की बात आपने कही, चार पंक्ति आपको बता दूं मैं कि जब तक हिंदू के माथे पे लाल रंग नहीं लगता, जब तक हिंदू के माथे पे लाल रंग नहीं लगता तब तक हिंदू किसी को तंग नहीं करता। सड़ चढ़ जाती है दुनिया और भूल जाती है, अरे हिंदू की तलवार को कभी जंग नहीं लगता। क्या बात के जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के हुकार से, वो सनातन क्या मिटेगा मुट्ठी भर गद्दारों से। मुझे नफरत नहीं किसी मजहब से, मुझे नफरत नहीं किसी मजहब से, सभी धर्मों से प्यार है और बुरा लगता हर एक वो शख्स इस देश का गद्दार है। शीश मुंड कटेंगे तलवारों से, कह दो उस सीमाओं के कतार से, भारत का हर घर सजा है तलवारों से, तलवारों से, तलवारों से, तलवारों से। तो लीजिए रचना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूं। मेरा करीमा तू, मेरा करीमा तू, तेरा से
का चूल्हा भी हम भारतवासियों के वजह से चल रहा है। देखिए जिनको तो हमें कुछ नहीं करना, बस आप उनकी चीजें वस्तु करना बंद कर दीजिए, उनका बहिष्कार करें चीनी प्रोडक्ट का, चीन अपने आप हार जाएगा। कौन कौन मेरा समर्थन देगा, दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए आधी जीत तो हमारी एकता में है, अगर हमारी एकता हो गई तो हम भारत अपने आप में एक अपनी एक जीत रहती है। एक बार सभी लोग ताले बजाएंगे, बाबू जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं फुलहार से। कि कहना चाहूंगी कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद कर दिया भारत के ही गद्दारों ने। एक बार हमारे मोदी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। स्वच्छ अभियान निकाला, लेकिन स्वच्छ अभियान में गद्दार साफ हो गए ना तो भारत स्वच्छ बनेगा, ऐसे स्वच्छ नहीं बनेगा। राजू जी मारी, आज से 4 या 5 वर्ष पूर्व हमारे बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर से कोई पर्व था, और पर्व के दिन मिठाइयां उस सरहद के पार पाकिस्तान में भेजी गई निर्मल जी भाई साहब, और उस मिठाइयों को वापस लौटा दिया। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाना, कि ये कुकर्म जा रहा मगर कम नहीं होता, कि ये कुकर्म जा रहा मगर कम नहीं होता, कर रहा है गलतियों पे गलतियां मगर गम नहीं होता, अरे मिठाइयां देसी घी की थी इसीलिए लौटा दी वापिस, अरे कुत्तों को देसी घी कभी हजम नहीं होता। पाकिस्तान को कह रही हूँ कि कम वक्त है वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और थोड़ी हवा लगने पर अपनी औकात भूल जाते हैं। जरूरत जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर जाएंगे, पाक की धरती पर तिरंगा लहराएंगे, अभी भी वक्त है सुधर जा पाकिस्तान, वरना हिंदुस्तान के फौजी तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं, इतना खून बहेगा सरहद पर जितना गंगा में नीर नहीं, घर का झगड़ा बाजार में करो ये कोई तरीका नहीं, कश्मीर कश्मीर किसका है ये हम बताएंगे, अमेरिका नहीं, और अब की बार हुआ युद्ध तो मेरा कोई नुकसान ना होगा, और दुनिया के नक्शे में फिर से पाकिस्तान नहीं होगा। एक बार राजू जी मारे के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं खुद बिक जाऊंगा पर तुझे नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा पर तुझे नहीं बिकने दूंगा, और तेरी शान को कभी रुकने नहीं दूंगा, पालोत्रा का बच्चा बच्चा सर कटवा लेगा हिंदुस्तान के लिए, अरे मैं मर जाऊंगा पर तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। नीचे क्यों हाथ है, माता जी ने हाथ दिए हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, एक हाथ ऊपर ऐसा करना है, पूरे कार्यक्रम की लाइव हो रही है यूट्यूब पर, अच्छा दिखना चाहे दोनों हाथ एक हाथ ऐसे मुट्ठी बांधें, जिसके हाथ नीचे होंगे मैंने पहले ही कहा वो आतंकवादी ना हो जाए, ध्यान रखना है। पड़ोसी मुल्क से आए हैं, जो भी बांग्लादेश से नहीं आया हो, चीन से नहीं आया हो, पाकिस्तान से नहीं आए, सभी लोगों के एक दोनों हाथ ऊपर जाओगे। कुछ पे दिल कुछ
दीवाने हैं, हम जीएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, प्यार मिलेंगे ए वतन तेरे मुझे झालोरी गेट सूर्य नगरी में दिखाई दे रहा था माहौल, आज ऐसा का ऐसा माहौल मुझे बालोतरा में दिखाई दे रहा है। ये बालोतरा का अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और मेरे लिए भी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। देखिए, हो हिंदू चाहे मुसलमान, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसे इस देश में प्यार नहीं उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं। हमें मजहब से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है और हिंदुस्तानी है। एक बार बोले भारत माता की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन जान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन जान है, जो मिनट के लिए आप बैठ जाए शालीनता के साथ में। एक हमारी एक और नई कोशिश शिवसेना बालोतरा की ओर से, देश के वीर जवानों का गुणगान हो रहा है, उनके परिश्रम की घड़ी मेहनत का हम
बखान कर रहे हैं, एक झोली आपके समक्ष आ रही है। भाई साहब हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, यहाँ तक कि हम ये भजन संध्या कर रहे हैं उसका सारा श्रेय देश के वीर जवानों को जाता है। एक झोली आप सभी के समक्ष आ रही है। शहीद होते हैं तो हम पुतले पुतले जलाते हैं और आक्रोश करते हैं, लेकिन आज उन देश के वीर जवानों के लिए एक रुपया, दो रुपया, दस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, 2000 वाले नए नोट, जैसी आपकी श्रद्धा हो देश के वीर जवानों के प्रति, ये वीर जवानों के लिए सहयोग राशि एकत्रित यहाँ से करवा रहे हैं। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी, जितना हो सके देश के लिए आप दान अवश्य करें। और अच्छा लगा ये हमारा परिश्रम, तो एक बार तालियां बजा करके इन कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे, धन्यवाद। कहना चाहूंगी कि जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम नहीं आए वो बेकार, वो बेकार, वो बेकार जवानी है। एक और निवेदन ये रहेगा आशा जी वैष्णो से, सुनना बड़े ताजुब की बात है ये मुकेश जी भाई साहब, अगर जवान शहीद होता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, भरत जी 10 लाख दे देते हैं, 20 लाख दे देते हैं, राजनीति के तमाम नेताओं से राजू माली खुला चैलेंज करता है, तुमने 20-20 लाख दे दिए वीरों की विधवाओं को, तुमने 20-20 लाख दे दिए वीरों की विधवाओं को, और तुमने कीमत लगा दी वीर प्रसूता माओं को, ये राजू माली तुम्हें 30-30 लाख रुपए देता है, अरे हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। चलिए, ये देश है वीर जवानों का, पंजाबी गाना है, इनको नाच लेने दीजिए, सारे युवाओं के मन में है, मन में ना रह जाए, ठीक है, लेकिन आराम के साथ मर्यादा के साथ। देश है वीर जवानों का, देश है वीर जवानों का, हमारे लोग का मतदानों का, देश के यारों, देश के यारों का कहना, देश है दुनिया का कहना, और चकले फटे, Oh,
अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। एक बार आपके बालोतरा के मेरे भाई साहब आदरणीय प्रकाश जी माड़ी के लिए एक बार तालियां बजा देंगे सभी लोग, जिन्होंने महाराणा प्रताप गाकर करोड़ों लाखों के दिलों में युवाओं में गजब सा जोश जगाया। और आज आप ही के बालोतरा के आदरणीय प्रकाश जी माड़ी पूरे देश भर में अपनी एक देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से पहचाने जाते हैं। मैं तो कुछ नहीं, मैं बस उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं मेरे हिसाब से भक्ति करती, वो उनके हिसाब से भक्ति करते हैं। बस वही है कि हम सभी लोग इस देश के वासी हैं और इस भारत की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो बस इसे हमारा कर्तव्य बनता है कि इस भारत माँ के गुणगान करें। एक बार सभी लोग दोनों दोनों हाथ ऊपर, कौन कौन तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए? इस भारत की मिट्टी को जब जब भी आप बेटों की जरूरत पड़ी तो कौन कौन खड़ा रहेगा? सभी लोग रहेंगे तो दोनों हाथ ऊपर। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अरे अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम किया, अगर देश के काम किया तो जीवन में काम, हो जाओ तैयार। शीश कटे पर आप लोग बोलोगे झुके नहीं, तू पानी कत रुके नहीं, शीश कटे पर मैं निवेदन करती, कोई भी बाकी नहीं रहना चाहे, सभी लोग बोलेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की लाई हो रही है, सभी लोग अपने मुख से बोलेंगे। अरे तू पानी कत रुके नहीं, शीश कटे पर हेलो, शीश कटे पर शीश, शीश झुके पर, क्या बोला आपने? शीश कटे पर झुके नहीं। मैं तो अपने स्वर से राजघराने के बंद दरवाजे खोलूंगा, मुबारक हो खामोशी आपको, मैं तो खुलकर बोलूँगा, शीश झुकाने से बेहतर शीश कटाना अच्छा है, और दरबारी गायक बनने से तो मर जाना ही अच्छा है। बहुत ही बड़ी बात कह दी राजीव भैया आपने। ये मेरा ये गांव है, मेरा ये शहर है, मेरी खुद के शहर में खुद को इतना प्यार मिलना ना अपने आप में बहुत ही एक बड़ी बात होती है, और इतना सारा प्यार मैं देख रही हूँ बालोतरा वाले आपसे कर रहे हैं। मेरा ये कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी के श्वास की आखिरी शाम आ जाए, और मैं तो वो वक्त ढूंढता हूँ बालोतरा वालों जब मेरी जिंदगी इस बगड़े के काम आ जाए। के ए पाकिस्तान गालों पे अगर दिल्ली के चाटे होते, शीश की जगह हमने 20 शीश काटे होते, तो आज सरहद पे हमारे सैनिक जिंदा होते। मैं निवेदन करती हूँ ऐसे सैनिकों के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग भारत माता की जय घोष करेंगे। बोले भारत माता की। क्यों मरते हो शर्म बेवफा के लिए, दो गज जमी भी नहीं मिलेगी दफन के लिए, अरे मरना है तो मरो मादरे वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कम से कम कफन के लिए। क्या बात है, तूफानी कट रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, बंसी छोड़ो और उठालो, हाथों में तलवार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार,
भी भिलवाड़ा गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिन्होंने महाराणा प्रताप की रचना पूरे हिंदुस्तान में कवि माधव जी दर्शे। लेकिन ये रचना मैं बाद में प्रस्तुत करूंगी, अभी नहीं करूंगी, ठीक है। महाराणा प्रताप